नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई Q&A सेशन में। मैंने एक प्लान ये भी सोचा है कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, व्हाट्सएप पर भी करते रहते हैं, तो आप कमेंट करते रहिए भैया। रोज मैं कुछ कमेंट, जैसे 10-15-20 जितने भी कमेंट होंगे उसको शॉर्ट लिस्ट करके एक वीडियो बनाऊंगा, 4-5-7 मिनट का जितना भी बनागा, उसके हिसाब से मैं आंसर आपके हर वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा, ताकि आपका सवाल एक है लेकिन वही सवाल 1,000 लोगों का, 2,000 लोगों का होता है, तो आपका सवाल के माध्यम से उनको भी ये आंसर मिल पाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट कोशिश रहेगी मेरी। जो भी आपका क्वेश्चन है कमेंट कर दीजिए, बाकी आज मैं सवालों के आंसर देने वाला हूँ। ओनली फॉर गल्फ कंट्री से रिलेटेड मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन बीच में मलेशिया का है तो मैं दे दूंगा, बाकी मलेशिया का चैनल चेंज हो गया तो सबको पता ही है। तो मैं बता दूं भाई, एक शिवराम प्रजापति बोलते हैं, सर अबू धाबी में मास्क का फाइन 3,000 दुबई दराम लग गया है, फाइन कम हो सकता है क्या, इसके बारे में बताइए। तो भाई पहली बात तो आपकी लापरवाही की वजह से फाइन लगाए, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी गलती है, और इंसान को जब तक फटका नहीं पड़ता ना तब तक वो सुधरता नहीं है। बाकी आप उम्मीद ये करें कि फाइन लग गया, आप जब इंडिया आओगे तब तक आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। तो इसके लिए बेस्ट है कि सरकार ने पहले भी कुछ फाइन में 50% डिस्काउंट दिया था, तो आप इंतज़ार करिए, अभी तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि अभी 2-3 महीने पहले डिस्काउंट दे चुकी है, तो 1 साल से ये ऑफर आता है। तो उम्मीद है कि आप 1 साल बाद अगर इसको कराओगे तो आपका ये फाइन हो सकता है माफ़ हो जाए, लेकिन गारंटी नहीं ले सकते भाई। जी पूछते हैं, सर मैं दुबई जाना चाहता हूँ, मेरी वहाँ कोई पहचान नहीं है, क्या मैं विजिट वीज़ा पे जाके काम ढूंढ सकता हूँ? मेरे पास 12 साल पुराना हेवी लाइसेंस, सभी प्रकार की गाड़ियाँ चलाने का अनुभव है। तो भाई देखिए, लाइसेंस का तो वैल्यू मैन नहीं है, इंडियन लाइसेंस का वैल्यू बिल्कुल भी। बाकी आप हाँ वहाँ विजिट में जाके जॉब ढूंढ सकते हैं, बेशर्त शर्त यह है कि कोई ना कोई बंदा आपका अगर वहाँ पे है तो बहुत अच्छी बात है, वरना खुद अकेले जाओगे तो रहने खाने की रेजिडेंस स्किल की प्रॉब्लम आती है वहाँ पे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, एजेंट को आप छोड़ के डायरेक्ट भी आप ये काम कर सकते हो, दुबई खुला हब है, वहाँ पे कोई भी जाएँ भी जॉब सर्च करें जो मिल जाता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। किशोर कुमार बोलते हैं, सर मलेशिया से डायरेक्ट फ्लाइट जयपुर के लिए मिल जाएगी क्या? दीपावली तक आउटपास खुल जाएंगे क्या, बनने लग गए जाएगा? तो मैं बता दूं भाई, जयपुर से मलेशिया से जयपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है अभी तक, मुझे मलेशिया से फ्लाइट आई नहीं राजस्थान में, समझ गए? तो अभी भी मिलने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली आती है, दिल्ली भी मिल जाए तो आपकी किस्मत है, समझ गए बात को? सही बात आउटपास की, तो आउटपास सरकार का खोलने का कोई मतलब ही नहीं है, वो नहीं चाहती हम आउटपास खोलें, तो अभी तक कोई सूचना उनका है नहीं और मुझे नहीं लगता 2021 से पहले आउटपास ओपन होंगे। कुशवाहा बोलते हैं, सर मेरा नाम जय नारायण, सर मेरा नाम जय नारायण है और मुझे 6 महीने हो गए हैं इंडिया में, तो मेरा वीज़ा कब तक वैलिड रहेगा? अगर मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो क्या मेरी गारंटी 6 ईयर्स की बनती है, कंपनी देगी या नहीं? अल खमा UAE में जॉब करता हूँ। देखिए भाई, अगर आप दुबई UAE में जाओगे ही नहीं तो आपकी, अच्छा ग्रेजुटी बोनस है आपका पूछ रहे हो, 6 साल की बनती है तो कंपनी आपको घर कभी नहीं भेजेगी, कंपनी इतनी ईमानदार नहीं होती कि आप इंडिया बैठे और वो आपके खाते में पैसे डाल दें, बिल्कुल नहीं होगा। UAE सरकार में ऑप्शन है, अगर आप GDRFA की अप्रूवल लेके आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, अप्रूवल मिल जाता है तो आप वहाँ जा सकते हो, आपका वीज़ा भी लगवा सकते हो और आपका जो भी ग्रेजुएटी बोनस है वो आप ले सकते हो, या फिर आप दोबारा से विजिट वीज़ा में जाके भी वहाँ वीज़ा लगा सकते हो और उसी कंपनी से अपना मांग कर सकते हो ग्रेजुएटी बोनस की, ये ऑप्शन है। लोग भोजपुरी इंटरनेट में पूछते हैं, सर मलेशिया के लिए कोई अपडेट नहीं है? भाई मलेशिया का क्या अपडेट है, मलेशिया तो खुद ही कोई अपडेट नहीं होता, मलेशिया का कोई अपडेट नहीं है। अभी सुनने में आया है 31 अगस्त तक लॉकडाउन ओपन होने की बात थी, सुनने में आ रहा है कि 31 दिसंबर तक और लगा दिया, लॉकडाउन बढ़ा दिया। जी हाँ, ये अपडेट लो भाई, और कोई अपडेट, कोई भी अपडेट नहीं है। अथुराम वर्मा बोलते हैं, गुड इवनिंग सर, मैं दुबई में एयरपोर्ट से एंट्री करेगा, इसमें पहले से वहाँ कोरोना वायरस टेस्ट का रिपोर्ट पहले चाहिए या टिकट के बाद में? तो भाई मैं बता दूं, कोरोना की अगर आप टिकट पहले बना लोगे, उधर उधर से आप इंडिया आ रहे हो, मैं समझ गया आपकी बात को, अगर आप टिकट पहले बना लोगे उसके बाद में कोरोना टेस्ट कराओगे, उसमें खुदा न खास्ता आप अगर उसमें आ गए कोरोना पॉजिटिव, टिकट का पैसा गया ना आपका, तो पहले आप कोरोना टेस्ट करवाएं, उसमें 96 आवर्स का टाइम रहता है ना, 3-4 दिन का, उसके बाद टिकट आप बना के आ जाओ इंडिया, वो एयरपोर्ट पर दिखाओ, सीधे घर आ जाओ, सिंपल। पहले मत बनाना भाई, पहले बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको, वो रिस्क आपकी है। अगर आप टिकट 15 दिन बाद बना लेते हो और एयरपोर्ट तो आपको पता है 96 आवर्स पहले का चाहिए वो COVID-19 नेगेटिव रिपोर्ट, उसमें आप पॉजिटिव आ गए तो टिकट का पैसा गया ना, फिर नहीं मिलेगा आपको। डीके कुमार बोलते हैं, भाई जी इंडिया से मेरी गल्फ एयर की 3 तारीख की टिकट बुक की है, तो क्या मुझे राजस्थान की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को बता देना? अगर आप इंडिया से जा रहे हो तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, COVID-19 रिपोर्ट होना चाहिए, बाकी आप कौन सी कंट्री जा रहे हैं
उसके हिसाब से तय होगा। मेरा गांव गोरखपुर यूई ये बोलते हैं, सर मलेशिया का इंडिया एम्बेसी कब खुलेगा बताइए। भाई मलेशिया का इंडियन एम्बेसी तो ओपन ही है, नॉर्मल तो काम हो ही रहा है, वरना लोग कैसे आ रहे हैं फिर। बिल्कुल ओपन है, जितना भी है जिस हिसाब से है ओपन है, आपका काम नहीं अटकेगा, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ जा सकते हो। समीर बोलते हैं खल्ली बल्ली क्या वकील साहब, खल्ली बल्ली शायद हो सकता है मैंने एक वीडियो में नाम लिया था। खल्ली बल्ली वल्ली बल्ली नॉर्मल भाषा में एक अरबी लैंग्वेज है, इसको खल्ली बल्ली बोलते हैं। मतलब जो लोग दुबई में कोई भी कंट्री में रहते हैं और वो उनके पास वीज़ा एक्सपायर हो गया, उनके पास वीज़ा नहीं है, वो इलीगल तरीके से रहते हैं बिना वीज़ा के, उनको बोलते हैं खल्ली बल्ली। कुछ नहीं है उनके पास, जब पुलिस पकड़ेगी उनको अपने देश भेज देगी, वो खल्ली बल्ली में होता है। SMS मोबाइल बोलते हैं कुवैत का बताओ क्या इलीगल लोगों को छूट कब आ रहा है सर। भाई इलीगल लोगों को छूट सरकार ने दे दी, आपको पता है 3 महीने पहले सरकार ने छूट दी थी, छूट दे के आउट पास बना के टिकट भी दे के आप लोगों को भेज रही थी। उस दौरान किस्मत आपके ख़राब थे कि कुवैत से फ़्लाइटें नहीं मिल पा रही थी, इसलिए लोग नहीं आ पाए। अभी कुवैत सरकार की तरफ से कोई ऑप्शन नहीं लगता मुझे कि सरकार ये छूट आपको दोबारा दे पाएगी। हाँ अभी सूचना, अभी मैंने 5 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि भाई कुवैत सरकार इमिग्रेशन स्टॉप करेगी जो इलीगल वर्कर है उनको पकड़ने का, क्योंकि पहले अभी जैसे फ़्लाइट चल जाएगी इंडिया के लिए तो लोग जाना स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर उनका दोबारा से वो रिवर्स होगा सिस्टम और इमिग्रेशन छापामारी कार्रवाई करके इलीगल वर्कर है उनको पकड़ के जेल में डाल के ब्लैकलिस्ट करके इंडिया भेजेगी। छूट छाट का कोई चक्कर नहीं है। अब राम कुमार जी पूछते हैं इंडिया से रेगुलर फ्लाइट दुबई के लिए कब चलेगा। भाई इंडिया से रेगुलर फ्लाइट तो चल ही रही है ना, फ्लाइट आपको मिल सकती है, अगर आप टिकट लेके जाना चाहते हो तो फ्लाइट मिल जाएगी। बाकी रेगुलर क्या होता है, फ्लाइट मिल जाए तो वो रेगुलर ही है। रेगुलर फ्लाइटों का एक बार भूल जाओ भाई, लंबा टाइम लगेगा ये, क्योंकि दुबई का सिस्टम ठीक है लेकिन इंडिया का माहौल क्या है, रेगुलर फ्लाइट कैसे चालू हो जाएगी। सुपी बन्ना बोलते हैं सऊदी से इंडिया आते 1 महीने के अंदर तो क्या जयपुर और दिल्ली में क्वारंटाइन हो रहा है। भाई बिल्कुल क्वारंटाइन तो होगा ना, अभी तो सरकार का ये नियम है, बाकी कई स्टेटों में क्वारंटाइन हटा दिया गया है। COVID-19 की रिपोर्ट आपके पास है, सीधे आप घर जा सकते हो। बाकी इंडिया में भी कहाँ क्वारंटाइन का चक्कर है यार, COVID-19 की रिपोर्ट लेके आ जाओ, क्वारंटाइन रहना जरूरी नहीं है आपको 7 दिन, क्यों लफड़े में पड़ते हो। संदीप कुमार जी बोलते हैं सर मेरा वीज़ा का डेट 26/9/2020 तक है, दुबई का कोई चक्कर नहीं है भाई, आपका वीज़ा है नहीं है, आपको अप्रूवल मिल गया तो आप जा सकते हैं। अप्रूवल लेना जरूरी है वर्क परमिट वीज़ा वाला का, अगर विजिट वीज़ा है तो विजिट वीज़ा में टाइम है तो आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। नरेंद्र कुमार बोलते हैं गुड इवनिंग ब्रो, कंपनी ट्रीटमेंट में विदाउट एनी रीज़न एंड कंपनी कैंसिल माई वीज़ा एंड दे आर नॉट गिविंग माई सेटलमेंट। कुमार जी आपका ये जो मैसेज है पूरा मेरे पास कंप्लीट नहीं आ पाया, रेड मोर क्यों आपका मैसेज बड़ा था, बाकी मैं आपको समझ सकता हूँ। कंपनी ने आपको बिना कोई रीज़न के कैंसिल वीज़ा कर दिया, वीज़ा एंड सेटलमेंट वगैरह, तो आप इसका ऑप्शन सीधा सीधा मोरे और या फिर वह मंत्रालय में आप जो है ना वहाँ पर आप शिकायत कर दें कंपनी के खिलाफ तुरंत प्रभाव से। शिकायत नहीं करोगे तो आप माइनस होते जाओगे, शिकायत कर दोगे तो आप प्लस में जाते रहोगे। कभी भी कंपनी आपके पक्ष में फैसला आएगा, कंपनी के पक्ष में फैसला नहीं जाएगा, ये मान के चलिए। तो तुरंत कंपनी के खिलाफ एक्शन ले लें आप, फायदे में रहोगे।